हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉप स्टडी आइनिंग वे ऑफ लर्निंग दे करेंट अफेयर्स 2022 की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसके ऑलरेडी 201 क्लासेस हमने डिस्कस कर ली हैं। आज हम क्लास 202 यहां पे डिस्कस करेंगे और इस करंट इवेंट न्यूज़ में हम देखेंगे यूएन महासागर सम्मेलन यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 जो आयोजित की गई है उस करंट इवेंट न्यूज़ का हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि हमने क्लास 201 में आपको यहाँ पे दिया था, 201 में हमने यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था कि सरस्वती सम्मान 2021 किसको दिया गया है, हु रिसीव दी सरस्वती सम्मान 2021। तो ये जो दिया गया है इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, रामदास मिश्र जी को जो है यहाँ का सरस्वती सम्मान दिया गया है। वहीं हम सरस्वती सम्मान के बारे में कुछ पॉइंट्स की बात करें तो सरस्वती सम्मान जो आपका आपका स्टेब्लिश किया गया था वो 1991 में के के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है इसको स्टेब्लिश किया गया था। और 1991 में पहला पहला सरस्वती सम्मान पाले पाने वो पाने वाले पोइट जो कभी जो वो थे वो आपके हरिवंश राय बच्चन थे। हरिवंश राय बच्चन जी को उनकी आत्मकथा काव्य संग्रह के लिए जो यहाँ पे फर्स्ट जो है आपका सरस्वती सम्मान प्रोवाइड किया गया था। वहीं 1995 में फर्स्ट इंडियन वुमेन जिसको जिनको कि सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था वो आपकी बालमणि अम्मा थी। बालमणि अम्मा मलयालम कवियत्री थी ये बालमणि अम्मा। बालमणि अम्मा के लिए जो है यहाँ पे 1995 में उनकी एक रचना थी जिसको कि निवेदन नाम दिया गया था, काव्य संग्रह निवेदन निवेदन के लिए जो है यहाँ पे 1995 में यहाँ पे सरस्वती सम्मान से फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिनको कि सरस्वती सम्मान से नवाजा गया था। वहीं हम बात करें सरस्वती सम्मान जो 2021 का हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि 2021 का जो दिया गया है वो आपका रामदास मिश्र जी को दिया गया और इस अवार्ड के अंतर्गत जो प्रोवाइड किया जाता है वो 15 लाख रुपए कैश प्राइज प्रोवाइड किया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और एक पट्टिका यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो सारे पॉइंट आपको सरस्वती सम्मान के बारे में याद रखने। अब हम चलते हैं हमारे करंट इवेंट न्यूज पे और देखते हैं यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस यूएन महासागर सम्मेलन 2022 कहाँ पे आयोजित किया गया है। तो ये आपका पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में इसको आयोजित किया गया है। और वहीं हम बात करें कि ये दूसरा सम्मेलन था, सेकेंड यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस थी जिसको कि पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में जिसको जो है आयोजित किया गया था। वहीं पहला जो आपका वर्ष 2017 में फर्स्ट यूएन यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी 2017 में। इस समय हम बात करें कि इसका जो मेन मोटिव है कि इस समय जो हमारे ओशियन है महासागर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उनमें बहुत सारा पोल्यूशन बढ़ गया है और साथ में ही वहाँ की जो जो ओशियन लाइफ है जहाँ के जो जीव जंतु हैं उनके लिए काफी खतरा पैदा हुआ है, तो खतरा पैदा हो गया है। तो यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव ये है कि जो भी आपके कलेक्टिवली एफर्ट्स हैं उनको बूस्ट करना, यूनिक अपॉर्चुनिटी टू बूस्ट द कलेक्टिव एफर्ट्स एंड फाइंस और साइंस बेस्ड सॉल्यूशन फाइंड करना, जो कि इस समय इफेक्टिवली साइंस बेस्ड सॉल्यूशन फाइंड करना जिससे कि एड्रेस द चैलेंजेस दैट जो कि इस समय जो ओशियन है जो आपके चैलेंजेस फेस कर रहे हैं समस्याएं उनके सामने जो है उनको इफेक्टिवली यहाँ पे बूस्ट कर सके और उसका हम साइंस बेस्ड सॉल्यूशन पाए सॉल्यूशन मिल सके जिससे कि इसके जो आपके ओशियन प्रदूषण है उसको हमको कम किया जा सके। तो ये इसका मेन मोटिव होता है यूएन ओशियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2022 जो कि आपकी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में इसको आयोजित किया गया था। सारे पॉइंट हमको याद रखने। वहीं यूएन की हम बात करें यूनाइटेड नेशन के जो इस समय महासचिव हैं वो आपके एंटोनियो गुटरेस जो है वो आपके यूएन के महासचिव हैं। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने इस करंट इवेंट न्यूज के जिसको कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।